नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। इस समय आया हूँ उमरहा में, गाजीपुर पोल रोड पे उमरहा पड़ता है। तो उमरहा में देख रहे हैं यार, अभी वहाँ मंदिर बन रहा है, मतलब 6-7 साल से बन रहा है ये, और भी का 1.5 साल और लगेगा इसमें बनने में, और काफ़ी बेहतरीन बना है ये मंदिर बना, देख सकते हैं पीछे आप। अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा और ड्रोन शॉट भी कुछ दे दूँगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, आपको बैक कैमरे से पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बनाया जा रहा है काफ़ी बेहतरीन, कितना अच्छा लग रहा है ये। पहले मैं कुछ आपको दिश यहाँ से दिखा देता हूँ पहले, तो फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ से। ये देख लीजिए, ड्रोन भी काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा धूप है तो हो सकता है कि ब्लैक है, हो सकता है। ये देख लीजिए, हाथी का सीन बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये हाथी का सीन है, कितना अभी सब जितने भी यहाँ हैं सब बाहर से पत्थर लाए गए हैं यहाँ पे, और कारीगर भी बाहर से ही हैं। आप लोग कैसा लगा मेरा राय जरूर दीजिएगा। इसमें फुहारे वगैरह भी लगाए गए हैं। चलिए मैं आगे चल के भी दिखा देता हूँ पहले आपको इधर से। ये देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए जो बनाया गया है, फुहारा बनाया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ फुहारा बनाया गया है जो कि देखने में इतना अच्छा लग रहा है ये। चलिए मैं आगे चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको चल के। और यहाँ पे कुछ दिन पहले आए थे नरेंद्र मोदी जी, आए थे, प्रोग्राम था यहाँ पे। अभी ये पूरा जब बन के तैयार हो सकता है वही उसका इसका ही वही उद्घाटन करें। बात करें सर्वेश महा मंदिर की, देश की अत्याधुनिक सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के उमरहा में निर्माणाधीन विशाल साधना कृत सर्वेश महा मंदिर अपने आप में अनोखा है। कारण यह है कि यह मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है, और आज यहां इस मंदिर में विहंगम योग के 98 वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, जिससे काफ़ी काफिलियाँ यहां भीड़ हुई थी, जिससे दूर दूर से लोग यहां पे आए थे यहां पे दर्शन करने के लिए। और यहां पे देख लीजिए कितना बेहतरीन बनाया गया है ये मंदिर, और बन भी रहा है अभी, इसमें 1-1.5 साल और लगेंगे बनने के लिए मंदिर में। इसमें डिज़ाइनदार आप देख सकते हैं पत्थर भी लगाए जा रहे हैं, जो कि बाहर राजस्थान से काफ़ी दूर दूर से पत्थर ये आए यहाँ पे लगाने के लिए। और बात करते हैं यहाँ पे नकाशी पत्थर की, तो यहाँ पे कारीगर जो भी हैं बाहर से आए हैं बनाने के लिए भी, क्योंकि अंदर तो परमिशन नहीं है। मुझे आपको मैं ड्रोन शॉट जरूर दिखाऊँगा, तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर करिए, ताकि जो बाहर से वो भी देख पाएंगे कि ये सर्वेश महा मंदिर कितना बेहतरीन बनाया जा रहा है उमरहा में। बात करें कि विश्वनाथ धाम के साथ यह महामंदिर भी काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की शिखर पताका और ऊंचा उठाने वाला है। फिलहाल यह 3 दिवसीय वार्षिक सोमवार इसका मनाया गया था, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे, और देश भर के जुटे श्रद्धालुओं को भी संबोधित किया था। अगर बात करें इस मंदिर की, तो यह वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। 64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। अब सर्वेद के दोहे मंदिर के अंकित किए जा रहे हैं। मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह बनाया गया है। अब आप लोग ड्रोन व्यू देखिए। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Cause I'll do it.
escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself. स्वरवेद के विमल संदेश से पूरे विश्व को प्रकाशित करने हेतु भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा है भव्य स्वरवेद महामंदिर धाम। संसार के सबसे बड़े साधना केंद्रों में से एक ये दिव्य महामंदिर समस्त मानव मात्र के लिए है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की अमूल्य कृति स्वरवेद अध्यात्म जगत का अद्वितीय सदग्रंथ है। यह हिमालय की कंदरा में योग समाधि अवस्था में प्राप्त अनुभवों की अभिव्यक्ति है। सन 1888 में उत्तर प्रदेश के बलिया में ऋषिकुल में अवतरित सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने चिरकाल से लुप्त ब्रह्म विद्या विहंगम योग को अपनी गहन साधना द्वारा न सिर्फ स्वयं प्राप्त किया बल्कि इस दुर्लभ विद्या को समस्त मानवता के लिए सहज उपलब्ध करा दिया है। वर्ष 1924 में अपने कम से कम 1,00,000 जीवों को जरा मरण के चक्र से मुक्त कर देने का पावन संकल्प लेते हुए विहंगम योग संस्थान की स्थापना की। आज सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन मार्ग निर्देशन में विहंगम योग लाखों आत्माओं का जीवन बदल रहा है। स्वामी जी द्वारा रचित स्वरवेद का शाब्दिक अर्थ है जिससे आत्मा एवं परमात्मा का यथार्थ बोध होता हो। संपूर्ण स्वर अब जो सामने ये देख रहे हैं यहाँ पे देखिए फुहारा बनाया जा रहा है जिससे भी देखिए इसकी आकृति और बढ़ जाएगी। देख रहे हैं कितनी नकाशी बेहतरीन पत्थर लगाए गए यहाँ पे। जब ये फुहारा पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा फुहारा जब चालू हो जाएगा तो कितना दिखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए नकाशी पत्थर देखिए साइड साइड में कितना अच्छा लग रहा है। ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो को इतना शेयर की ताकि जो बाहर से वो भी देख पाएंगे कि कितना अच्छा ये बनाया जा रहा है सर्वेमा मंदिर। चलिए मैं अंदर से कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अंदर जाना मना है तो अंदर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश करूँगा। ड्रोन भी जरूर देखिएगा आप लोग। ये देखिए इतने पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं जो यही लकी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भी एक डेढ़ दो साल और लगेंगे इस मंदिर बनने में। जब भी बन जाए तो काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पे आने जाने के लिए लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्रेन है जो भारी सामान इसी से हटाए बढ़ाया जा रहा है। और देखिए हम लोग मंदिर के सामने आ गए हैं। आपने देखेंगे इससे पहले मैं वीडियो बनाया था तो आपने देखा होगा कितना यहाँ पे पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आप देखो गुजरात में जीआरसी तकनीक द्वारा बनाए जा रहे 9 गुंबद 9 कमलों की तरह होगा सर्वेद महामंदिर को देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना जा रहा है। महामंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की स्टैंड स्टोन की प्रतिमा भी स्थापित होगी। अब देखिए यहाँ पे हाथी के आकार का बनाया गया, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे नीचे नकाशी पत्थर। चलिए आगे चल के भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। सर्वेद महामंदिर धाम में मई 2017 में कई हजार कुंडी सर्वेद उत्तराय ज्ञान महायज्ञ हुआ था। उस वक्त इसे इतिहास के सबसे विशालतम यज्ञ की संख्या भी दी गई थी। विहंगम योग के जरिए नशा मुक्त की राह प्रशस्त करने वाले अत्याधामिक अभियान में हर वर्ष लाखों लोग जुड़ रहे हैं। ये देखिए सामने से भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बनाया जा रहा है। इसी नकाशी पत्थर पूरी देखिए इतनी डिज़ाइनदार जो बनाया जा रहा है कितना बेहतरीन लग रहा है। ये आपको कैसा लग रहा है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। मंदिर से जुड़े संतों ने बताया कि 3,00,000 वर्ग फीट में गुलाबी पत्थरों की नकाशी के लिए 350 से ज़्यादा शिल्पी जुटे हैं। प्राचीन स्थापित कला के समन्वय से बन रहे इस दिव्य अत्याधुनिक केंद्र की एक झलक पाने के लिए दुनिया के अनुयायी उत्सुक हैं। सर्वेद महामंदिर में मकराना पत्थर पर सर्वेद के दोहे अंकित होंगे। 50,000 वर्ग मीटर पर वाटर जेट तकनीक से 5,000 दोहे उत्कीर्ण हो रहे हैं। महामंदिर को खूबसूरत बनाने के साथ ही वास्तुशिल्प का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पूर्व दिशा में प्रवाहित नहर जल राशि के रूप में स्थापित है। अब देखिए मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा जो साइड साइड में, क्योंकि अंदर जाना मना है इसलिए आपको मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा। वैसे इसके पहले भी मैं बना चुका हूं अंदर की वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिएगा जाके चैनल पे मेरे।
अब देखिए यहाँ पे पत्थर साइड साइड में जो लगाया गया अच्छा लग रहा था, इसको इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा लिखा है, स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये देखिए लगाई गई है, बता रहा था ना उनको, यहाँ पे सुखी सेवा प्रकल्प केंद्र, सब बुक वगैरह यहाँ पढ़ने के लिए, देखिए सतगुरु सदाफल देव महाराज की सब किताबें यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये सब पूरा भैया आयुर्वेद होगा ना? हाँ आयुर्वेद है, पूरा आयुर्वेद है। अच्छा अच्छा, ये देखिए पूरा जितने भी प्रोडक्ट है पूरा आयुर्वेद है पूरा। बाहर में नहीं होता है। जी 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 और ये देख रहे हैं आप एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा लिखा गया है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, पूरा इसके बारे में दिया गया है, ये देख लीजिए आप इसके बेनिफिट योगा। और देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नए वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।